सात दिन बाद हत्या आरोपी गिरफ्तार। कानपुर। बीते दिनों बिधुनू थाना क्षेत्र के कुरिया चौकी क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त और उसकी प्रेमिका को आसाम से पकड़कर घटना का खुलासा कर दिया गया। बताते चले बीती 14 मई को थाना बिधुनू के कुरिया चौकी क्षेत्र में सोते समय एक बुजुर्ग की हत्या कर फरार हो जाने वाले आरोपी की तलाश बिधुनू पुलिस के द्वारा की जा रही थी, जिनको आसाम से पकड़कर कानपुर लाकर घटना का खुलासा कर दिया गया। एडीसीपी अंकिता शर्मा ने बताया कि बीती 13 और 14 मई की रात थाना बिधुनू के कुरिया चौकी क्षेत्र में सोते समय एक बुजुर्ग की हत्या उसके ही भतीजे के द्वारा की गई थी। हत्या आरोपी की तलाश के लिए बिधुनू पुलिस के द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी। बीते दिनों बिधुनू पुलिस को हत्यारों की लोकेशन दिल्ली में मिली थी। जब टीम दिल्ली पहुंची तो पता चला कि हत्यारोपी अपनी प्रेमिका के साथ आसाम के नौगांव पहुंच गए थे, जिनको पकड़कर कानपुर लाया गया। एडीसीपी अंकिता शर्मा ने बताया कि हत्यारोपी बर्रा क्षेत्र के रहने वाले कृष्ण वर्मा उर्फ सत्या ने आसाम निवासी अपनी प्रेमिका कीर्ति उर्फ अनीशा के साथ मिलकर दीनदयालपुरम थाना बिधुनू क्षेत्र के रहने वाले सुनील वर्मा की चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कृष्ण वर्मा ने बताया कि वह मृतक सुनील वर्मा का भतीजा है। एडीसीपी ने बताया कि आरोपी ने हत्या का कारण अपनी मां के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को बताया है, पर जांच में पता चला कि सत्या ने अपने ताऊ की हत्या प्रॉपर्टी के लिए की थी। एडीसीपी अंकिता शर्मा ने यह भी बताया कि उसकी प्रेमिका लगातार इस घटना को लेकर प्लानिंग बना रही थी, जिसके बाद बीती 13 और 14 मई की रात्रि घटना को अंजाम दिया गया। आरटीआई न्यूज 24 के लिए ऋतिक गोयल की रिपोर्ट। दिनांक 13/14 की रात को थाना बिधनू के कुड़िया चौकी क्षेत्र में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि पता चला था कि उसी के छोटे भाई के लड़के, जिसका कि नाम सत्या है, उसने हत्या की है। और हत्या करने के बाद सत्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका कि नाम कीर्ति है, मौके से तुरंत फरार हो गया था। और भागकर जब हमारी थाना बिधनू की टीम ने पीछा किया तो वो दिल्ली में उसकी लोकेशन मिली थी। जब टीम दिल्ली पहुंची तो वहां से हमें आगे पता चला कि वो असम के नौगांव जिले में दोनों पहुंच गए हैं। जो महिला कीर्ति है वो असम की ही रहने वाली है, इसलिए वो दोनों भागकर असम पहुंच गए थे। इस पर तुरंत थाना बिधनू की टीम असम के लिए रवाना हुई और असम से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया है। इसमें यह भी सामने आया है कि जितने दिन वो दोनों फरार थे उसमें सत्या द्वारा अपनी बहन को धमकाया भी जा रहा था कि जिससे कि वो सारी यहाँ की गतिविधियाँ और सूचना उसे देती रहे। इसके अलावा ये भी सामने आया है कि सत्या ने ये जो हत्या की है वो प्रॉपर्टी के विवाद को लेके की है। सत्या की माँ से मृतक का काफ़ी झगड़ा होता था प्रॉपर्टी के विवाद के ऊपर, इसलिए उसने ये हत्या कारित की। इस हत्या का खुलासा करने वाली टीम को डीसीपी साउथ सर के द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।